हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर साहब की ये लाइनें डिंपल और अखिलेश यादव के रिश्ते के मामले में सटीक बैठती हैं। दोनों की मर्जी के आगे नेताजी भी झुके और कर्नल साहब भी। अखिलेश ने जब पहली बार डिंपल को देखा तो पहली नजर में दिल दे बैठे। कैसे चार सालों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और तमाम विरोध के बाद ये दोनों सात जन्मों के बंधन में बंधे। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। 15 जनवरी 1978 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पूर्व कर्नल आरसी सिंह रावत और चंपा रावत के घर डिंपल यादव का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा खत्म करने के बाद इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया। मशहूर पत्रकार सुनीता एरन की किताब अखिलेश यादव बदलाव की लहर के मुताबिक साल 1996 के आसपास अखिलेश जब पहली बार डिंपल से मिले तब वो सिर्फ 17 साल की थी और अखिलेश 21 साल के थे। एक दोस्त के यहाँ अखिलेश और डिंपल की जब पहली मुलाकात हुई तो वे डिंपल को देखते ही रह गए। दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में ये दोस्ती प्यार में बदली। आगे की पढ़ाई करने के लिए अखिलेश को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। वे वहां से भी डिंपल के संपर्क में रहे। दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे। अखिलेश अक्सर ऑस्ट्रेलिया से डिंपल को कार्ड और लव लेटर भेजते थे। अखिलेश यादव जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो घर वालों की तरफ से शादी का दबाव बनाए जाने लगा। अखिलेश यादव के सामने समस्या थी कि घर में डिंपल के बारे में कैसे बताएं। ऐसे में अखिलेश ने अपनी दादी की मदद लेते हुए परिवार को डिंपल के बारे में बताया। अखिलेश यादव की डिंपल से शादी की मांग को मानना मुलायम सिंह यादव के लिए आसान नहीं था। डिंपल के राजपूत होना और दूसरी समस्या, उस वक्त उत्तराखंड राज्य की अलग मांग हो रही थी और ऐसी स्थिति में वहीं की एक लड़की से अखिलेश की शादी करवाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। उस वक्त का एक किस्सा और भी है। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव लालू की बेटी से अखिलेश की शादी करवाना चाह रहे थे और ऐसे में फिर लालू को ना कहना भी मुश्किल था। उधर डिंपल का परिवार भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार चार सालों तक चले अखिलेश और डिंपल के प्यार को दोनों परिवारों ने समझा। फिर उनकी शादी 24 नवंबर 1999 को हुई। तमाम रुकावटों के बाद भी आखिरकार डिंपल और अखिलेश एक हो गए। अखिलेश 3 बच्चों के पिता हैं। राजनीतिक व्यस्तताओं के बाद भी डिंपल यादव परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं और हर कदम पर अखिलेश का साथ देती हैं। वे भगवान की पूजा पाठ भी बड़ी शिद्दत से करती हैं। डिंपल यादव ने तमाम मौकों पर भारतीय संस्कृति को अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए होने का परिचय भी दिया, चाहे वो मायावती के पैर छूने का किस्सा हो या फिर भतीजी दीपाली के कन्यादान करने का मौका। डिंपल यादव बेहद एडवांस भी हैं। जब उन्होंने अपने देवर आदित्य यादव की शादी में जमकर डांस किया तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल भी हुई। घुड़सवारी की शौकीन डिंपल अपनी बातों को बेहद दम से रखती हैं। समाजवादी पार्टी में आंतरिक कलह के हालात में भी डिंपल ने किसी के साथ रिश्ता खराब नहीं किया। वे लगातार परिवार को एकजुट करने की कोशिश करने में लगी रहती हैं। इससे उनकी छवि सकारात्मक परिवार सदस्य की बनी।